हे गाइस वेलकम। दोस्तों आज मैं आपको अपकमिंग रियलमी 9 प्रो प्लस स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि रियलमी 9 सीरीज का सबसे ज़्यादा हायर वेरिएंट होगा। और दोस्तों इस फ़ोन में आपको काफ़ी यूनिक फीचर्स देखने को मिल सकते हैं और साथ में कुछ ऐसे फीचर्स भी आपको मिल सकते हैं जो कि रियलमी के किसी भी स्मार्टफोन के अंदर अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। क्योंकि दोस्तों इसका रीजन हो सकता है रियलमी 9 सीरीज के अंदर ही आपको फर्स्ट टाइम ये प्लस वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको प्लस वाला वेरिएंट देखने को नहीं मिला था नंबर वाली सीरीज के अंदर, लाइक रियलमी 6 प्रो, रियलमी 7 प्रो, रियलमी 8 प्रो। ये दो वेरिएंट आपको मेन देखने को मिले थे, बट इससे ऊपर जो प्लस वाला वेरिएंट था इससे पहले आपको देखने को नहीं मिला था, जो कि रियलमी 9 सीरीज के अंदर मिलेगा। रियलमी 9 प्रो और सबसे ज़्यादा हायर वेरिएंट होगा रियलमी 9 प्रो प्लस, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी शानदार फीचर्स देखने को मिल सकते हैं काफ़ी यूनिक डिजाइन के साथ। तो इस वीडियो के अंदर इसी फ़ोन के बारे में डिटेल में बात करूंगा, क्या क्या आपको एक्सपेक्ट फीचर्स मिल सकते हैं और ये क्या प्राइस पर लॉन्च हो सकता है, फुल एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बने रहिए। दोस्तों रियलमी 9 प्रो प्लस, सबसे पहले दोस्तों इस फ़ोन के हाईलाइट फीचर के बारे में बात करते हैं, जो कि है फास्ट चार्जिंग। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपको अराउंड 5000 mAh की बैटरी ऑफर की जाएगी, बट फास्ट चार्जिंग में काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है फर्स्ट टाइम। क्योंकि दोस्तों लीक्स के अकॉर्डिंग ऐसा निकल के आ रहा है कि यहाँ पर आपको 125 वॉट का अल्ट्रा डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग, और काफ़ी टाइम पहले रियलमी ने 125 वॉट के अल्ट्रा डार्ट चार्जिंग को अनाउंसमेंट किया था और वहाँ पर कुछ निकल के आया था कि अपकमिंग स्मार्टफोन में ये चार्जिंग जल्दी ऑफर की जाएगी। तो गाइस ऑलमोस्ट अब निकल के आ रहा है कि जो रियलमी 9 प्रो प्लस स्मार्टफोन होगा वहाँ पर आपको 125 वॉट की चार्जिंग ऑफर की जा सकती है। वैसे इसके रिगार्डिंग अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, ये लीक्स के अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब दोस्तों देखना ये होगा कि वाकई में इस फोन के अंदर ये चार्जिंग ऑफर की जाएगी या फिर वही आपको प्रीवियस 65 वॉट की चार्जिंग मिलेगी। ये दोस्तों कुछ ही टाइम में ऑफिशियल होने वाला है। और अब इस फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, तो गाइस इस फोन का जो डिजाइन है वो सिमिलर रहने वाला है रियलमी GT Neo 2 से, उसी के जैसा आपको बैक पैनल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बैक में आपको ग्लास दिया जाएगा ग्लॉसी फिनिश के साथ, ट्रिपल कैमरास दिए जाएंगे स्क्वायर शेप में, LED फ्लैश होगी और रियलमी की ब्रांडिंग होगी। इस फोन का फ्रेम प्लास्टिक का रहने वाला है। डिस्प्ले की बात करूं तो आपको 6.59 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले मिल जाएगा 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, HDR 10 प्लस का सपोर्ट होगा और इन प्रिंट कॉइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। तो गाइस डिजाइन और जो डिस्प्ले है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं गाइस परफॉर्मेंस के बारे में, तो गाइस इस फोन में आपको क्वालकॉम का चिपसेट ऑफर किया जा सकता है, जो कि है स्नैपड्रैगन 778G, जो कि 6nm पर बेस्ड है, 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल का रहता है, 5 लाख 5.5 लाख के करीबन इसका अंतत स्कोर आ जाता है, तो गेमिंग आपका काफ़ी कमाल का रहने वाला है और साथ में आपको काफ़ी अच्छे खासे 5G बैंड्स का सपोर्ट भी दिया जाएगा। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 11 दिया जाएगा, जो कि रियलमी UI 3.0 पर ये बेस्ड होगा। दोस्तों कैमरास की बात करूँ तो बैक में ट्रिपल कैमरास होंगे। इस फोन का जो प्राइमरी लेंस है वो 108 मेगापिक्सल का हो सकता है, साथ में एक अल्ट्रा वाइड होगा और माइक्रो लेंस दिया जाएगा। रियर कैमरा से आप लोग 4K 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे मिनिमम, और सेल्फी के लिए दोस्तों आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी जाएगी, जहाँ से आप लोग 1080p 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं रैम स्टोरेज की, तो गाइस इस फोन का जो बेस वेरिएंट होगा वो आई थिंक 6GB प्लस 128GB से स्टार्ट हो सकता है और यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट का सपोर्ट दिया जाएगा। दोस्तों इस फोन में आपको LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप का सपोर्ट मिल सकता है। इस फोन में आपको टाइप सी पोर्ट दिया जाएगा, 3.5mm का जैक होगा, फेस अनलॉक, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए जाएंगे। तो गाइस ये थे इस फोन के एक्सपेक्टेड फीचर्स। दोस्तों अब बात करते हैं प्राइस की, तो गाइस अगर आपको 125 वॉट की चार्जिंग, 120 हर्ट्ज एमुलेट डिस्प्ले, 108 मेगापिक्सल कैमरास, स्नैपड्रैगन 778G, ये फीचर्स अगर ऑफर किए जाएं तो इस फोन की जो प्राइस है वो कंपटीशन के अकॉर्डिंग अराउंड 25,000 रहने वाली है। लगभग 25,000 में आपको ये इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। और
आपको पता ही है कि 2022 में ही ये लॉन्च होगा, फर्स्ट क्वार्टर में जनवरी या फिर फरवरी के महीने में आपको ये मिल सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए। गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।